चेहरे को ध्यान से देखिए। ये हाल है सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी की हत्या के बाद उनकी पत्नी शीला शेखावत का। पति की निर्मम हत्या ने मानो इनके शरीर का पानी ही सुखा दिया है। ना ठीक से खाना खा पा रही, ना पानी हलक से उतर रहा और ना ही बोला जा रहा। जुबा पे बस एक ही बात है, गोगा मेड़ी जी का बदला। ये तो किसी से नहीं छिपा कि एक शेर को दिन दहाड़े घर में घुस करके मारा है, और मैं तो यही कहूंगी कि हमें इंसाफ चाहिए और उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा, सजा ही नहीं उनका एनकाउंटर होना चाहिए। और एनकाउंटर के बिना तो मेरी कोई मांग ही नहीं है, मेरी पहली और आखिरी मांग यही एनकाउंटर ही रहेगा। तो शीला जी, जिस तरह से बात हुई है प्रशासन के साथ, सरकार के साथ, कि आपकी मांगे जो है मान ली गई है, क्या है पूरी मांगे मान ली गई है आपकी? जी, उन्होंने 72 घंटे का टाइम दिया था जिसमें 48 घंटे तो हो चुके, अभी थोड़ा टाइम और बचा है तो देख लेते हैं, अगर वो करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो फिर अपने तरीके से समझाना हमें भी आता है। पहले मेरे पति ने समझाया और अब मैं समझाऊंगी। हालांकि इसी बीच सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी की तीसरी पत्नी सामने आ गई है, सपना सोनी। दावा है इनकी शादी तो नहीं हुई, लेकिन सपना सोनी सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी की तीसरी पत्नी है। गोगा मेड़ी सपना सोनी के साथ जयपुर में लिव इन में रह रहे थे। 5 दिसंबर को जब गोगा मेड़ी को गोलियों से भूना जा रहा था तो सपना उसी घर में दूसरी मंजिल पर मौजूद थी। हालांकि यही बात उन्हें सवालों के घेरे में भी डाल रहा है। आरोप है कि शायद सपना को गोगा मेड़ी के कत्ल की पहले से ही जानकारी थी। खैर, ये बात तो जांच में सामने आएगी। इसी बीच कार्यवाहक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है। कल भी जो हत्या हुई थी, जो गोगा मंडी की, गोगा मेड़ी की, उसके लिए मुझे लिख के भेजना पड़ा है भारत सरकार को, मेरे साइन से गया है। इसकी जांच NIA लेती तो हमें ऑब्जेक्शन नहीं है, जबकि नए मुख्यमंत्री को लिखना चाहिए था, क्योंकि कार्यवाहक बना रखा मुझे गवर्नर साहब ने, जब तक नया शपथ नहीं ले तो मुझे वो कार्रवाई करनी पड़ती है, तो मैं चाहता हूं कि जल्दी इनका फैसला हो। अब हो सकता है गोगा मेड़ी की हत्या की जांच NIA करे, क्योंकि इस मामले में अब भी कई पेच ऐसे हैं जो खुलने का नाम नहीं ले रहे। बहरहाल, अब एक तरफ गोगा मेड़ी की जांच फंसी है तो दूसरी तरफ उनकी 200 करोड़ की विरासत। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी हो सकती है, लेकिन सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी की कुल संपत्ति 200 करोड़ की है, और अब सवाल यही है कि इसे संभालेगा कौन। के बाद में जो राष्ट्रीय करनी चाहिए ना है, उसका लोग कह रहे हैं आप नेतृत्व करेंगे। बिल्कुल करूंगी, और जब तक करूंगी जब तक कि मेरे पति को न्याय नहीं मिल जाता। और करनी सेना तो हमेशा से गरीब मुजलुमों का हमेशा से ही साथ दिया और आगे भी देगी। जब तक मेरे पति थे उन्होंने साथ दिया, और आज मैं हूँ, मैं साथ दूंगी पूरी दुनिया में। आपको बता दें कि गोगा मेड़ी के जाने के बाद उनकी पत्नी शीला और लिव इन में रहने वाली सपना में खींचतान शुरू हो गई है, और ये बताने की जरूरत नहीं कि ये खींचतान प्रॉपर्टी को लेकर ही है। शीला शेखावत ने कहा कि वो गोगा मेड़ी की विरासत संभालेगी, लेकिन अगर ऐसा होता है तो सवाल ये कि बाकी दोनों पत्नियां क्या करेंगी। बहरहाल, चलते चलते एक सवाल ये भी कि गोगा मेड़ी की हत्या किसने की, ये CCTV फुटेज में साफ हो गया है, लेकिन उनके हत्यारे अब भी पुलिस की पहुँच से दूर क्यों है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।